नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब बिहार में बिजली बिल की समस्या होगी दूर। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के सेंटर पहुंचने का बदला समय। जेडीयू एमएलसी के घर आयकर का छापा। उपेंद्र कुशवाहा ने लल्लन नीतीश की खोली पोल। सौरभ गांगुली ने जमकर की पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब बिहार में बिजली बिल की समस्या होगी दूर। बिजली बिल में लगातार गड़बड़ियों से जुड़े शिकायतों को लेकर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के आधिकारिक सूत्रों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जल्द ही बिहार के आधे गांवों में बिजली बिल सुधार के लिए इसी माह में विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के विद्युत कार्यपालक अभियंता, सहायक विद्युत अभियंता एवं राजस्व पदाधिकारी के द्वारा कैंप लगाए जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के गांवों में कैंप लगाने का काम दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में राज्य के 50% गांव में फरवरी में कैंप लगाए जाएंगे, तो वहीं अन्य 50% गांव में दूसरे चरण के तहत मार्च में कैंप लगाए जाएंगे। बता दें कि अगर कैंप में भी बिजली बिल में सुधार किया जाना संभव नहीं हो सका तो वैसी स्थिति में अधिकतम 7 दिनों में सुधार करने की हिदायत दी जाएगी। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के सेंटर पहुंचने का बदला समय। अगर आप भी बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा दे रहे हैं या आपके घर से भी कोई यह परीक्षा दे रहा है तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार बोर्ड समिति के द्वारा आदेश जारी कर कहा गया है कि अब परीक्षा सेंटर का गेट आधा घंटा पहले बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि पहले गेट बंद होने का समय परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले था, जिसे अब बढ़ाकर आधा घंटा पहले कर दिया गया है। यानी कि अब पहली शिफ्ट के परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर 9 बजे तक पहुंच जाना है। वहीं दूसरी के परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर 1:15 तक पहुंच जाना होगा। बता दें कि पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय पहले शिफ्ट वाले परीक्षार्थियों के लिए 9:20 था, वहीं दूसरे शिफ्ट के परीक्षार्थियों का समय 1:45 था, जिसे अब शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा करवाने के लिए बदल दिया गया है। शराब तस्करी के मामले में 3 तस्कर गिरफ्तार। बिहार में शराब तस्करों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस के द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। बता दें कि ताजा मामला बिहार के गोपालगंज जिले का है, जहां गोपालगंज पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर शराब बरामद की गई और साथ ही 3 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। आप जानकारी के लिए बता दें कि गुप्त सूचना मिलने के बाद एसपी के निर्देश के बाद कटिया पुलिस के द्वारा छापेमारी कर यूपी नंबर मारुति और एक बिहार नंबर मारुति कार समेत भारी मात्रा में शराब जब्त किया गया। मालूम हो कि इन दिनों आए दिन पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर शराब बरामद की जा रही है और साथ ही कई बार शराब तस्कर की भी गिरफ्तारी की जा रही है। आधी रात में वेश बदलकर एसपी ने खोली पुलिस की पोल। बिहार के थानों में फरियादियों के साथ पुलिस किस प्रकार का व्यवहार करती है, इसका पता करने के लिए रोहतास एसपी विनीत कुमार के द्वारा एक अनोखी पहल की गई। दरअसल एसपी विनीत कुमार ने अपना वेश बदलकर आम आदमी के रूप में सासाराम नगर थाना पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात ऑन ड्यूटी पदाधिकारी एएसआई राम विलास से हुई। इसके बाद उन्होंने एएसआई के सामने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह डेहरी के रहने वाले हैं और वाराणसी से आने के क्रम में कचहरी मोड़ के पास कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की और मोबाइल और रुपए छीन लिए, जिसकी उन्होंने शिकायत दर्ज करानी है, लेकिन एएसआई ने शिकायत लेने से मना कर दिया। हालांकि जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो उनके होश उड़ गए। फिलहाल उनसे अब स्पष्टीकरण मांगा गया है, इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसपी ने कहा है कि इस तरह का निरीक्षण आगे भी जारी रहेगा। बीपीएससी न्यायिक सेवा के सफल अभ्यर्थियों को पटना हाई कोर्ट का नोटिस। पटना हाई कोर्ट के जस्टिस पीवी बजंत्री और जस्टिस अरुण कुमार झा की पीठ के द्वारा बीपीएससी द्वारा संचालित 31वीं न्यायिक अफसर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देने वाली ऋषभ रंजन व कुणाल कौशल सहित 17 अभ्यर्थियों की तरफ से दायर रीट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि इस परीक्षा में राज्य में 214 सिविल जज यानी न्यायिक दंडाधिकारी जो इस परीक्षा में सफल हुए हैं वे नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। इसके साथ ही कोर्ट के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि न्यायिक पदाधिकारियों की नियुक्तियां इस मामले में पारित अंतिम फैसले के फलाफल पर निर्भर करेगा। इसके साथ ही इस मामले पर हाई कोर्ट ने बीपीएससी से जवाब तलब किया है। बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई हाई कोर्ट के द्वारा 4 हफ्ते के बाद की जाएगी। आज रोज डे के साथ शुरू हुई प्रेमियों का पसंदीदा सप्ताह। आज से वैलेंटाइन डे के सप्ताह की शुरुआत हो गई है। बता दें कि इस हफ्ते का प्रेमी जोड़ियों को काफी बेसब्री से इंतजार रहता है, वहीं आज से इनका यह इंतजार खत्म हो गया है। दरअसल आज से वैलेंटाइन डे के सप्ताह की शुरुआत रोज डे के साथ हो गई है। 7 फरवरी से शुरू होने वाला वैलेंटाइन डे का सप्ताह 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के साथ खत्म होता है। वहीं आज के दिन पूरा बाजार रोज से सजा मिला, लोगों को अलग अलग रंगों के गुलाब खूब भा रहे हैं। इसके साथ ही आज के दिन
इन फूलों की जमकर खरीदारी भी की जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि आज के दिन एक पीस गुलाब के फूल की कीमत 50 रुपए तक बताई गई है। मालूम हो कि ओडिया ऑफ जैकोबस डी ओरिजिन की पुस्तक के अनुसार वैलेंटाइन डे मनाने की शुरुआत तब हुई जब 14 फरवरी वर्ष 269 को संत वैलेंटाइन को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तब से उनकी स्मृति में इस दिवस को अधिकतर देशों के युवा के द्वारा वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। इस महीने से बिहार को मिलेगी 3 वंदे भारत ट्रेन। बिहार के लोगों को जल्द ही 3 वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार इन 3 वंदे भारत ट्रेन का परिचालन बिहार में अप्रैल महीने से शुरू हो जाएगा। मालूम हो कि इन ट्रेनों का परिचालन बिहार के जिन रूटों में किया जाएगा उसमें एक वंदे भारत ट्रेन पटना से हावड़ा चलेगी, दूसरा वंदे भारत ट्रेन रांची से पटना के लिए चलेगी और तीसरा वंदे भारत ट्रेन वाराणसी से हावड़ा के लिए चलेगी, जिसके स्टॉपेज गया रेलवे स्टेशन होगा। मालूम हो कि रांची से पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन के परिचालन होने से यात्रियों का 8 घंटे का सफर कम होकर 4 घंटे हो जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी से हावड़ा के लिए वंदे भारत ट्रेन के परिचालन की शुरुआत होने से गया से हावड़ा जाने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। अब राजधानी पटना में टीकाकरण कराना हुआ आसान। बिहार की राजधानी पटना के लोगों को टीकाकरण लेने में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए जिला प्रतिरक्षा कार्यालय के द्वारा अगले सप्ताह से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यूवीन पोर्टल पटना में पब्लिक डोमेन की शुरुआत कर दी जाएगी, जिसमें रूटीन टीकाकरण करने वाले सभी अस्पतालों को जोड़ा जाएगा और साथ ही सभी संबंधित ANM और अधिकारियों को इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जानकारी के लिए बता दी कि इसे पिछले सप्ताह ही लाने की तैयारी थी लेकिन तकनीकी कारणों से देरी हो गई थी। बता दें कि इसके आने से लोग ऑनलाइन रूटीन टीकाकरण का रजिस्ट्रेशन, स्लॉट बुकिंग, सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड जैसे कामों को करने में काफी मदद मिलेगी। जेडीयू एमएलसी के घर आयकर का छापा। आयकर विभाग के द्वारा जेडीयू एमएलसी राधाचरण साह के पटना, आड़ा, यूपी, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों के 18 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इसके अलावा आईटी टीम के द्वारा उनसे जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है, जिनमें आड़ा के प्रसिद्ध व्यवसायी हरखेन एंड सन्स के मालिक कमल जैन और पटना के बालू माफिया अशोक कुमार के नाम भी शामिल है। जानकारी के लिए बता दें केंद्रीय एजेंसी की टीम आज सुबह यानी कि मंगलवार की सुबह से ही छापेमारी कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार यह बिहार और झारखंड के इनकम टैक्स इंटेलिजेंस विंग की ओर से की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राधाचरण साह आड़ा बक्सर त्रिस्तरीय पंचायत निकाय क्षेत्र से दूसरी बार MLC बने हैं। लालू यादव की अवैध निकासी मामले में सुनवाई 2 सप्ताह बाद। RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद के चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजा बढ़ाने को लेकर CBI के द्वारा याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस और मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुजनाथ की खंडपीठ के द्वारा आंशिक सुनवाई की गई। इस दौरान इस मामले को लेकर कोर्ट को सजायाफ्ता RK राणा और फूलचंद के निधन की जानकारी दी गई, जिसके बाद कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया है कि इन दोनों को इस मामले से बाहर कर दिया जाए। वहीं CBI के द्वारा कहा गया है कि इस मामले को लेकर लालू यादव पर 3 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं इसी मामले को लेकर पूर्व सांसद जगदीश शर्मा को 7 साल की सजा और 20 लाख का जुर्माना लगाया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाते हुए 2 सप्ताह बाद निर्धारित किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने ललन नीतीश की खोली पोल। उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा एक बार फिर ललन सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कड़ा प्रहार किया गया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है बल्कि यह पार्टी शरद यादव की थी, जिनको धक्का मारकर नीतीश कुमार ने जेडीयू पर कब्जा कर लिया। अगर यही बात नीतीश कुमार समझ जाए कि ये उनकी पार्टी नहीं है और हम लोग बस पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जेडीयू राजद कार्यालय से जो कॉपी जारी की गई उसमें मुझे अध्यक्ष पार्लियामेंट्री का सदस्य बनाया गया था, लेकिन ललन सिंह बोल रहे हैं कि मुझे संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि RJD ने मुझे झुंझुना थमा दिया है। मोहन भागवत और बाबा रामदेव का भागलपुर में आगमन को लेकर खुफिया एजेंसियां हुई सक्रिय। आगामी 10 फरवरी को RSS प्रमुख मोहन भागवत और बाबा रामदेव बिहार के भागलपुर पहुंचने वाले हैं। बता दें कि वह भागलपुर के कुप्पा घाट सेवा आश्रम में गुरु निवास उद्घाटन को लेकर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मालूम हो कि इन दोनों VIP में से एक के पास Z+ तो दूसरे के पास Z श्रेणी की सुरक्षा मौजूद है। इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर सहित राज्य स्तर की खुफिया एजेंसियां अपनी नजरें भागलपुर में गड़ाए बैठी है। इनके सुरक्षा को लेकर भागलपुर पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने बीते दिन कुप्पा घाट सेवा आश्रम में खुद भागलपुर SSP पहुंचे, जहां उन्होंने वर्तमान आचार्य श्री हरिनंदन बाबा सहित महासभा के पदाधिकारियों से मुलाकात की और सुरक्षा का इंतजाम देखा।
बिहार में औसतन इतने लोग प्रतिदिन हो रहे ऑनलाइन ठगी का शिकार। बिहार में आए दिन साइबर अपराध से जुड़े खबरें देखने को मिलती है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार राज्य भर में प्रतिदिन औसतन 2000 से अधिक लोग किसी न किसी जरिए से साइबर ठगी का शिकार बन रहे हैं। वहीं अगर पिछले 13 सालों की बात करें तो पिछले 13 सालों में अब तक 2000 गुना इस तरह के अपराध बढ़ गए हैं। मालूम हो कि 2011 में राज्य में साइबर अपराध से जुड़ा केवल एक मामला दर्ज हुआ था, वहीं आज यह मामला बढ़कर प्रतिदिन 2000 से अधिक हो गया है। दरअसल साइबर अपराधी राज्य में हो रहे स्मार्टफोन और इंटरनेट के इस्तेमाल से अपना फायदा उठाते हैं। बता दें कि साइबर अपराध के मामले में राज्य को जो जिला सबसे आगे है वह जिला पटना है, जहां राज्य में साइबर क्राइम की दर 1.1 प्रति लाख है, जबकि पटना का यह रेट 6.2 है। सौरव गांगुली ने जमकर की पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के द्वारा एक इवेंट में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जमकर तारीफ की गई। उन्होंने कहा कि जब आप MS धोनी के बारे में बात करते हैं तो यह उस बारे में नहीं कि उन्होंने कितने मैच खेले, लेकिन भारतीय क्रिकेट पर उनका क्या प्रभाव रहा है। मैं कुछ दिन पहले मुंबई में उनसे मिला, हम दोनों शूटिंग कर रहे थे। वो चैंपियन है, भारतीय क्रिकेट के सर्वकालिक महान क्रिकेटरों में से एक है, उन्होंने विश्व कप जीते हैं। उन्होंने कहा कि रांची राज्य से धोनी जहां से दुर्लभ ही खिलाड़ी आगे बढ़े। मुझे गर्व है कि भारत के दो सबसे सफल कप्तान देश के उस हिस्से से आए हैं जहां लोगों को लगता है कि क्रिकेट अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर नहीं है। धोनी ने असल में अपने आसपास के खिलाड़ियों की पीढ़ी को बदला है। धोनी ने लोगों के सफल होने की सोच बदली कि यहां से वो सफल हो सकते हैं। ईशान किशन को देखिए, वो किस तरह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी मंगलवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, अमर आजाद, नुशरत बनू, नन्नू गोलू कुमार, सुनील कुमार, अखिलेश यादव, रवि कुमार राम, इंतजार हुसैन, रवि शंकर, असरफी मंडल, कविता कुमारी, चंदन कुमार, विजय सिंह, सदुल्लाह पलवी, मुटुर रंगीला, मोहम्मद नौशद राजा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप बिजली बिल की समस्या से परेशान हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना है। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।